आज पढ़ेंगे स्पर्जिया का नियम। स्पर्जिया का नियम होता क्या है, पहले अपन स्पर्जिया का फार्मूला लिख लेते हैं। स्पर्जिया का फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू एच टेन थीटा होता है। अब ये आता कैसे है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर समझाना चालू करूँगा। ठीक है जी, अब इस स्पर्जिया के नियम के लिए कुछ शर्तें होती है। ये शर्तें शर्तें को पहले पढ़ लेते हैं। तो शर्त क्या होती है, पहला दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो। पहला क्या होती है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, दोनों क्षेत्र समतलीय हो, शर्त के हिसाब से पहले डायग्राम में समझते हैं। दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो, यह एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्या है, समान है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत हैं। क्या है, ये देखो, इसके दोनों परस्पर लंबवत है, दोनों समतली हों, तो ये क्या होता है, अपना समतली स्थिति होता है ना जी, ये भी अपना समतली स्थिति होता है, तो दोनों समतली हों, तो अपन इसमें मान सकते हैं, माना कि एन एस एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्राबल्य एम है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बोलेंगे इसको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एच व बी स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है। एच और बी क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है। फिर इसके संतुलन के वह पहले क्षेत्र एच के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब देख सकते हैं एच के साथ ये क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे। फिर यह क्षेत्र के कारण चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण एम बी और क्या है एम एच है, तो उसके समानता लाने का प्रयास करता है, जबकि इसके वाला चुंबकीय आघूर्ण में उसमें होगा। अब यह दोनों एक समांतर स्थिति में है, तब इसके साम्यावस्था संतुलन अवस्था बोल सकते हैं, या समांतर अवस्था भी बोल सकते हैं इसको। तो संतुलन अवस्था में अपन देखते हैं कि इस संतुलन अवस्था में, अब संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा, एम एच और एम एच एम एच और एम एच एम एच और एम एच दो एम एच है, तो इसका क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण। अब क्या हो जाएगा, एम बी और एम बी का क्या हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण। आप लिख सकते हैं इसको एम बी
एम एच इस तरफ हो जाएगा, तो एम एच में क्या बना रहा है, एस पी ए बना रहा है ना, एच पी के उसमें समांतर है तो एस पी हो जाएगा, और इसमें एन एस हो जाएगा, इसके क्षेत्र के समांतर क्या है, तो एम बी इक्वल क्या हो जाएगा, एन पी। अब देखिए जैसे कि अपना इसको पहले समझ लेते हैं, तो ये अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, दो ठो चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें एक दंड चुंबक रखे हैं, तो ये क्या करेंगे, परस्पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको समांतर ऐसे लाने की प्रयास करेगा, तो इसके लिए क्या बोल रहा है, बल युग्म आघूर्ण, तो ये जो बल है इसमें जो बल लगने वाला है वो क्या करेगा, इसको परस्पर समांतर लाने के प्रयास करेगा, तो उसी को बल युग्म आघूर्ण एस पी, एन एच, एन एच को जो है इसको क्या करेगा समांतर लाने के लिए, एस पी जो बल है उसको समांतर लाएगा, और एम बी जो बल कार्य कर रहा है इसके जो सापेक्ष काम कार्य कर रहा है एम बी, वो इसको सापेक्ष लाने के कार्य करेगा, एन पी इसके सापेक्ष लाने का काम करेगा, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं इसमें, तो अपने को पता है बी को इस तरफ ले लेते हैं, अब सारे को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होगा एम एच, फिर क्या हो जाएगा नीचे में स्मॉल एम हो जाएगा, फिर एस पी अपान एन पी हो जाएगा, अब जानते हैं एम से एम कट गया, तो बी इक्वल क्या लिख सकते हैं जी, एच एस पी और एन पी, अब एस पी और एन पी, अब एस पी एन पी कहाँ से आया, यहीं से आया, तो त्रिभुज एस एन पी में, त्रिभुज एन पी एस में जो भी बोल सकते हैं, तो अपन टेन थीटा इक्वल क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार, तो अपना क्या है लंब एस पी है, एस पी है, और आधार कौन सा है, एन पी है, ठीक है। तो इसके बदला समीकरण वन मान लिए, अब समीकरण वन में क्या करेंगे, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखना है, अब समीकरण एक में मान रख दिए, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा, इस पर जिया का नियम, नियम या ट्रेंजेंट लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी।